नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल होंगे धर्मजीत सिंह। विधायक धर्मजीत सिंह कल बीजेपी में शामिल होंगे। जेसीसीजे छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे धर्मजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया उनको ज्वाइन कराएंगे बीजेपी। कल सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन है और इस कार्यक्रम में रमन सिंह, नितिन नवीन, अरुण साव मौजूद रहेंगे। जोगी कांग्रेस से पहले ही निष्कासित हो चुके हैं धर्मजीत सिंह और इस वक्त लोरमी से विधायक हैं धर्मजीत सिंह। विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं प्रमोद शर्मा भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में प्रमोद शर्मा शामिल हो सकते हैं। बड़ौदाबाजार से विधायक हैं प्रमोद शर्मा, जोगी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। रायपुर से खबर है, पूर्व आईएएस जिनेविवा किडो कांग्रेस में शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस में शामिल किया है। संकल्प शिविर कार्यक्रम में थामा है कांग्रेस का हाथ। 2024 बैच की प्रमोटिव आईएएस हैं जिनेविवा किडो। तो रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व आईएएस जिनेविवा किडो कांग्रेस में शामिल हुई हैं। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई हैं वो। संकल्प शिविर कार्यक्रम में थामा है कांग्रेस का हाथ। 2004 बैच की प्रमोटिव आईएएस हैं जिनेविवा किडो। मुंगेली से खबर है, जहां पूर्व फॉरेस्ट ऑफिसर बीजेपी में शामिल हुए। रिटायर्ड वन अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल हुए हैं एसटी बड़गया। सीसीएफ फॉरेस्ट के पद से रिटायर्ड हुए थे। मुंगेली बीजेपी जिलाध्यक्ष ने शपथ दिलाई है इनको। लोरमी विधानसभा से दावेदारी के कयास इनके अब लगाए जा रहे हैं। भिलाई से बड़ी खबर है, टाउनशिप में बिजली बिल हाफ योजना पर सवाल उठ रहे हैं। बिजली बिल हाफ के मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ दिया है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सीएम पर निशाना साधा, कहा चुनावी वक्त में बिजली बिल हाफ योजना लेकर आए हैं। योजना के जरिए चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश है। 5 साल तक टाउनशिप वासियों के साथ धोखा किया। योजना का लाभ टाउनशिप वासियों को 2019 से दें। आप गवर्नमेंट के पैसे से सीएसपीडीसीएल को अगर 1/3/19 से सब्सिडाइज कर रहे हो, प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को 3900 करोड़ रुपया दे रहे हो जैसा आपने उल्लेख किया, तो हमारा जो है वो 1/3/2019 से देने में क्या कमी है, क्या गड़बड़ है? भिलाई के लोगों ने कौन सा पाप किया है? क्या विधायक जी को जिता के पाप किया या आपकी सरकार के साथ रहे इसलिए पाप किया, क्या हुआ? बिलासपुर से बड़ी खबर है, महिला रेल कर्मचारी से छेड़छाड़ हुई है। महिला रेल कर्मचारी से दफ्तर के बाहर छेड़छाड़ हुई। बदमाश स्वाधीनाथ चौधरी ने छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज हुआ है। बदमाश पर छेड़छाड़ के 5 और मामले दर्ज हुए हैं। पहले भी छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं। आदतन अपराधी है आरोपी स्वाधीनाथ चौधरी। वही चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल ने चयनित लेक्चरर को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र मिलने से अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। वहीं आईटीआई पास अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। हम आज इस मंच के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये सभी व्याख्याता कृत संकल्पित हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग मुख्यमंत्री निवास में आए और यहाँ प्रमाण पत्र वितरण हुआ और इसमें आप सब भागीदार बने। अभी तक के हमारी सरकार ने लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की है और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कोरोना काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं।
अंबिकापुर पहुंचे पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरगुजा के सीतापुर विधानसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीतापुर से मौजूदा विधायक अमरजीत भगत को भ्रष्टाचार करार दिया है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनके भ्रष्टाचार की वजह से इनसे जशपुर जिले के प्रभार से इन्हें हटा दिया गया। वहीं विष्णुदेव साय ने सीतापुर सीट पर इस बार बीजेपी की जीत का दावा किया है। सीतापुर क्षेत्र में तो वहां का जो सिटिंग एमएलए है इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको जशपुर जिला प्रभार से हटाया गया। आदिवासी होते हुए एक आदिवासी कोरवा वो भी जो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है धोखे में रख के उनका 25 एकड़ जमीन जो मतलब खेती के लायक नहीं है बॉक्साइड है उसमें नजर करके अपने बेटे के नाम से मतलब रजिस्ट्री करा लिए थे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण उसको वापस करना पड़ा। 100 एकड़ जमीन गलत तरीके से हथिया लेना ये तो पूरे कांग्रेस पार्टी में पूरे प्रदेश में चल रहा है। उधर बीजेपी भी सीएम भूपेश बघेल के हर बयान पर पलटवार कर रही है। सीएम के जीत के दावे के उलट बीजेपी ने प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर होने का दावा किया। बीजेपी नेता विजय शर्मा ने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे बल्कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी यही बात कही थी। कांग्रेस के कई नेता सत्ता विरोधी लहर होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक फेल होंगे। उन्होंने जीत के बाद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जनता का जो विषय है जितनी बड़ी सरकार बनती है उतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी होता है और एंटी इनकम्बेंसी तब और बढ़ जाता है जब अकर्मण्य विधायक होते हैं। सारे विधायक जितने कांग्रेस के हैं बड़ी संख्या है उनमें से अधिकतम विधायक फेल हो गए। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये बात अभी रिसेंटली आपने ध्यान दिया होगा। उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकतम विधायक उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं। पीएल पुनिया जी थे पूर्व इनके प्रभारी थे उन्होंने भी ये बात कही कि विधायकों को ये सितंबर की बात है वो भी 2022 की साल भर पुरानी बात है मैंने साल भर से वो प्रकरण चल रहा है और इन्होंने जनता की वो सेवा नहीं की जिसके लिए सरकार बनी। सूबे की सत्ता बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही कांग्रेस को कई मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। एक तरफ बीजेपी चुनावी तैयारी के लिहाज से कड़ी टक्कर दे रही है, उसके केंद्र से लेकर प्रदेश तक के नेता ताबड़तोड़ अभियान चला रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता रहे अरविंद नेताम पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर उसे बड़ा झटका दिया। अब वो सत्ताधारी पार्टी की राह में एक और रोड़ा बिछाने जा रहे हैं। अरविंद नेताम ने अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया है और प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाला है। ग्राम सभा को अधिकार था बिना अनुमति के सरकार आगे बढ़ी तो उसको खत्म सर आपने अभी कोई नई पार्टी का नाम सोचा है क्या? अभी आप सभा के समाज की तरफ से बात है नहीं इलेक्शन आयोग में है हमारे राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है सुझाव और भी अब क्या होता है वो तो चेक करते हैं चुनाव आयोग में कई डबल से मिल गए प्रक्रिया में है हमारे राज हो जाएगी छोटे पार्टियों के साथ में जैसे सीपीआई के सुकमा चंदा सीट पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कई पूरी तय हो गया है और छोटी मोटी पार्टी है उसके साथ में हो सकते हैं पर 30 ये है और 30 जो जनरल सीट है जिसमें 20,000 से लेकर 80,000 तक के आदिवासी मतदाता। अरविंद नेताम के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी उन पर जमकर निशाना साध रही है। सीएम भूपेश बघेल से लेकर पार्टी के तमाम नेता नेताम का राजनीतिक भविष्य खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि नेताम जब कांग्रेस में थे तब सब कुछ ठीक था, जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी वो गलत हो गए। अरविंद नेताम जी आज सुबह तक कांग्रेस में थे और जब तक कांग्रेस में थे तो अच्छे थे और कांग्रेस में उनको रखकर जो सर्व आदिवासी समाज का गठन कर उसको प्रोत्साहित करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अब जब चुनाव सामने आ रहा है उनको समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का पूरा आदिवासी समाज नाराज है और अरविंद नेताम जी का इस्तीफा देने के बाद ये तय हो गया है कि अब आदिवासी कांग्रेस को वोट नहीं देगा और कांग्रेस की सरकार का जाना तय है, तब वो अरविंद नेताम जी के ऊपर में आरोप लगा।
उधर बीजेपी के कद्दावर नेता सरोज पांडे ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा कि पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली योजनाओं को लेकर जनता के बीच आएगी। सरोज पांडे ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में मजबूत हुई है। वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से मिली पीएम आवास योजना की राशि लौटाई, जिसकी वजह से प्रदेश के लाखों गरीब परिवार अपने आवास से वंचित रह गए। पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। आज हमारे अध्यक्ष का एक साल का कार्यकाल बहुत उपलब्धि भरा रहा है, पूरा हुआ है, आज उनका आगमन भी हुआ है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे और जनता के बीच में हमारी केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर, मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम जाएंगे। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लगातार बहुत सहयोग दिया, लेकिन राज्य की सरकार ने उस सहयोग का पूरा उपयोग नहीं किया, यहाँ जो पैसे आए उन पैसों को उन्होंने वापस कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का विशेष विषय था, इन सब विषयों को लेकर। अंबिकापुर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के चावल खरीदने के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से इस साल 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगी, जिससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल छत्तीसगढ़ से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 1.30 लाख मीट्रिक टन धान को मतलब चावल के रूप में भारत सरकार लेगी, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो आज आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग के किसानों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करना, यही आज। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला कैदी पवन साय पिछले 2.5 साल से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कैदी पवन राय बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन की सूचना के बाद गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मृतक के परिजन ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में प्रवेश हुए थे एंड के मामले में, जिसके संबंध में वह सूचना प्राप्त हुई थी कि मृत्यु हुई है और उसको फिर मल्टीमेशन के पश्चात में पीएम के लिए बॉडी को रवाना कर दिया गया था। अग्रिम जांची छत्तीसगढ़ में इंटरनेट यूजर्स बढ़ने का फायदा, ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बखूबी उठा रहे हैं। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों को पकड़ा। बावजूद इसके दुबई से अभी भी प्रदेश में सट्टे का संचालन किया जा रहा है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 बड़े गिरोह के 15 लोगों को दबोचा। पुलिस ने कमतराई से 8, गुढ़ियारी से 5 और तेलेबांधा से 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन बेटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में ऑनलाइन बेटिंग के लिए जो खाते उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा कुछ दिनों से की जा रही थी, पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में 3 अपराध रायपुर पुलिस ने दर्ज किए हैं। थाना खमतरी में अपराध दर्ज किया गया, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद फरहान जो कि एक CA है, वो लोगों को खाता खुलवा करके बेटिंग के लिए उपलब्ध करवाता था और उसके लिए फिर वो कमीशन लेता था। उनके ऑफिस से लगभग 14 लाख कैश भी बरामद हुआ है, काफ़ी सारी संख्या में पासबुक, ATM, 21 मोबाइल फोन्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। सुकमा में 8 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। महिला नक्सली मड़ावी मल्ले उर्फ गंगी ने SP के सामने सरेंडर किया है। माडवी मल्ले पिछले 17 वर्षों से बीजापुर और सुकमा जिले में सक्रिय थी। सरेंडर के बाद इस पूर्वी महिला नक्सली को श्रीफल, साड़ी और प्रोत्साहन राशि दी गई। आज माडवी मल्ले उर्फ गंगी ये PLGA बटालियन सदस्य थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। ये थाना चिंतलनार की रहवासी है।
जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है इससे परेशान होकर पुनः मेन स्ट्रीम में आने के लिए माड़वी मल्ले ने सरेंडर किया है। माड़वी मल्ले 2004 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी और विभिन्न घटनाओं में शामिल थी, उसमें 2010 का सीधी से खबर है जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में आतंक हाथियों ने आतंक मचाया, आधा दर्जन कच्चे मकानों को गिरा दिया हाथियों ने। हाथियों के हमले में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं, इलाज के लिए इनको अस्पताल में एडमिट किया गया। जंगली हाथियों के आतंक से लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, दहशत में हैं। पुलवा और गोलीबारी का एक पूरा मामला। तो जंगली हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं, डरे हैं, कई लोगों को जख्मी भी हाथियों ने कर दिया। हाथियों के हमले में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कई लोगों के घरों को तोड़ दिया है इन हाथियों ने। सीधी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में हाथी उत्पात मचा रहे हैं जमकर। आधा दर्जन कच्चे मकानों को हाथियों ने गिरा दिया। हाथियों के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में इनको एडमिट किया गया है। जंगली हाथियों के आतंक से लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। पुलवा और गोली पहरी का यह पूरा मामला। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वोटर मित्रा ही खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।